ट्रोल हो रहे हैं राकेश मिश्रा। आइए जानते हैं किस लिए, वो भी अपने पहले होली गाने को लेकर। जी हाँ, जिस तरह का उन्होंने अपने पहले होली सॉन्ग का नाम रखा है, टाइटल रखा है, उसे लेकर वो जमकर ट्रोल हो रहे हैं, और वो भी किस लिए। भाई इन दिनों आप तो सभी जानते हैं कि किसान आंदोलन एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हुआ है, और ऐसे में कोई भी सेलिब्रिटी अपनी राय रखता है या कुछ कहता है तो उसे सीधे पब्लिक, जनता जनार्दन क्या नाम दे रही है, खालिस्तानी का। जिस किसान आंदोलन को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है ये सभी जानते हैं। खैर, हम आपको बता दें कि अब जो राकेश मिश्रा का पहला होली सॉन्ग है, खतरे में मेरा तिरंगा है, जी हाँ ये टाइटल रखा है, और इस टाइटल को देखते ही लोग भड़क गए हैं। साथ में ही इन्होंने वहाँ पर किसान आंदोलन का ये जो सॉन्ग रखा है वो होली को के सॉन्ग से समथिंग रिलेटेड है, तो उस पर लोग बहुत ट्रोल कर रहे हैं राकेश मिश्रा को। आइए जानते हैं क्या कहा ट्रोलर्स ने, कितने ट्रोलर्स ने तो उन्हें खालिस्तानी तक कह दिया। आप स्क्रीनशॉट हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने ट्रोलर्स ने खालिस्तानी कहा उन्हें, तो कितने ट्रोलर्स ने ये कहा है कि तिरंगा कभी झुक नहीं सकता, पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हो, पैसे के लिए कितना गिरोगे। साथ ही साथ राकेश मिश्रा को बहुत कुछ ट्रोलर्स कह रहे हैं। इनका जवाब देने के लिए राकेश मिश्रा ने ये कहा कि आप पहले एक बार गाना सुन लीजिए फिर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। सभी ने एक साथ राकेश मिश्रा की बहुत जमकर क्लास लगाई है, सभी ये कह रहे हैं। आप अपने आजू बाजू के गांव में देख लीजिए कितने किसान गए हुए हैं वहाँ पर प्रोटेस्ट करने, जो वहाँ गया हुआ है वो खालिस्तानी है। आप इस तरह की मानसिकता रखते हैं, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं, जाने क्या क्या, वो सारे स्क्रीनशॉट आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। कितने बड़े पैमाने पर ट्रोल हो रहे हैं राकेश मिश्रा अपने पहले ही होली सॉन्ग को लेकर, ये सभी जानते हैं। राकेश मिश्रा ने उस तरह का गाना नहीं गाया होगा, लेकिन भाई विवाद तो खड़ा ही हो गया है, और वो भी उनके पहले होली सॉन्ग को लेकर। आपको ये भी बता दें कि इसमें कंटेंट दूसरा होगा, क्योंकि जब राकेश मिश्रा पुष्टि कर रहे हैं इस बात की कि आप पहले मेरा गाना सुन लीजिए, तो यकीनन उसमें कुछ और होगा। लेकिन होली सॉन्ग को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह का पोस्टर बनाया गया हो, वो तो जब गाना रिलीज़ होगा सभी सुनेंगे तो पता ही चलेगा। फिलहाल के लिए तो राकेश मिश्रा को इन सब ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा, इस तरह की अभद्र टिप्पणियां भी उन्हें सहनी पड़ेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।